सोनभद्र के उंभा गांव में हुए नरसंहार के मुख्य आरोपित मूर्तिया ग्राम प्रधान के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई और तेज हो गई है। प्रधान की गिरफ्तारी के बाद जिलाधिकारी अंकित अग्रवाल के आदेश पर मूर्तिया ग्राम पंचायत में 3 सदस्यीय टीम गठित कर दी गई। इसके अलावा मूर्तिया ग्राम प्रधान द्वारा अब तक ग्राम कार्य में करवाए गए सभी विकास कार्यों की जांच के आदेश दिए गए हैं। जिला पंचायत राज अधिकारी आर के भारती ने बताया कि मूर्तिया ग्राम प्रधान के जेल जाने के बाद ग्राम पंचायत के विकास कार्य बाधित ना हो, इसके लिए जिलाधिकारी के निर्देश पर तत्काल प्रभाव से गांव में 3 सदस्यीय टीम गठित कर दी गई है। बताया जा रहा है कि ग्राम पंचायत सदस्य गामा दीप नारायण व कालीचरण को 3 सदस्यीय टीम में चयनित किया गया है। बताया गया है कि 3 सदस्यीय टीम ग्राम पंचायत में शासन द्वारा निर्देशित योजनाओं के सफल क्रियान्वयन पर काम करेगी और एक एक काम की जांच करेगी। बता दें कि जमीनी विवाद को लेकर हुए नरसंहार मामले में प्रधान एवं समर्थकों द्वारा गोली मारकर 10 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई थी और 25 लोग इसमें घायल हो गए थे। मुख्य आरोपी प्रधान यज्ञदत्त के जेल जाने के बाद से सरकार द्वारा चलाए जा रहे विकास कार्यों में आ रही बाधा को दूर करने के लिए यह कदम जिलाधिकारी द्वारा उठाया गया है। इस संबंध में जिला पंचायत राज अधिकारी आर के भारती का कहना है कि प्रधान के ना रहने से गांव में विकास कार्य प्रभावित हो रहा था। मूर्तिया ग्राम पंचायत के अंतर्गत 3 राजस्व गांव आते हैं, उनके विकास के लिए जिलाधिकारी द्वारा 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। समिति प्रधान का कार्यभार देखेगी। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान कहीं भी भ्रष्टाचार की बात सामने आई तो मूर्तिया के प्रधान पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। पंचायत राज एक्ट के नियमानुसार प्रधान की अनुपस्थिति में गांव का विकास कार्य प्रभावित न हो तो 22 जुलाई को ही जिलाधिकारी महोदय ने वहां 3 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया है। क्योंकि उस मूर्तिया ग्राम पंचायत में 3 राजस्व गांव आते हैं और तीनों राजस्व गांव से जो पढ़े लिखे साक्षर 3 मेंबर थे जो ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं, उनमें से 3 साक्षर मेंबरों को प्रधान का दायित्व निभाने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन जिलाधिकारी महोदय द्वारा कर दिया गया है। ये आदेश जारी भी हो चुका है। कौन कौन लोग हैं इसमें? 3 लोग, एक गामा पुत्र ललई हैं और एक देव नारायण पुत्र जोखू हैं और तीसरा कालीचरण पुत्र शिव वरण है। इन तीनों लोग प्रधान के पद का जितने दायित्व होते हैं सभी दायित्वों को पूरी तरह से निर्वहन करेंगे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।